रिसोर्ट्स में हाफिज के पिछले एपिसोड में हमने देखा युनजोंग एंड यू की लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से वो दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। अब ये जो होती है वो युनजोंग का पीछा कर रही होती है लेकिन तभी उसका पैर जो होता है वो एक पत्थर से टकराता है एंड वो एक खाई में गिर जाती है। ये देखकर युनजोंग उसे बचाने के लिए उस खाई में चला जाता है। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड हम यू को देखते हैं जो कि हुआ एंड उसके बंदों के सामने खड़ा होता है। अब हुआ के बंदे या फिर बोले हुआ के स्लेव्स जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि ये वही बंदा है जिसने उनसे थोड़े टाइम पहले लड़ाई की थी। तो ये सुनकर हुआ जो होती है वो खड़ी उठती है एंड यू के पास जाकर उसे कहती है कि बहुत समय हो गया हम लोग मिले नहीं। यू हुआ को बोलता है कि हमें अलग हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें मेरी याद इतनी जल्दी आ गई। तो हुआ उसे कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड पावरफुल हो एंड हम तुम्हारे दोस्त को नहीं पकड़ पाएंगे जब तक तुम हमारे रास्ते में हो। ये सुनकर यू उसे कहता है कि मैंने अलमाइटी लिली सॉकरी के बारे में सुना है जो कि कोकुजिन शोजो पैलेस से है और आज सही टाइम है इसे पूरी तरीके से देखने का। यू हुआ पे अटैक करता है लेकिन हुआ अपने आप को उसके अटैक से इजीली प्रोटेक्ट कर लेती है लेकिन यू के अटैक की वजह से हुआ के स्लेव्स को चोट आ जाती है एंड वो सब नीचे गिर जाते हैं। अब यू बताता है कि हुआ जो है वो एडवांस लेवल ऑफ अचीविंग रियलम में है एंड इस रियलम के बंदों को हराना आसान नहीं है। अब ये जानने के बावजूद भी कि यू हुआ को नहीं हरा सकता है यू उससे लड़ता है लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर हुआ पे नहीं हो रहा होता। अब यू सोचता है कि वो उसे हरा तो नहीं सकता है तो उसे यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो यू हुआ से बचकर भागने लगता है। अब ये देखकर हुआ भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है एंड उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। उसके अटैक को डॉच करते हुए यू आसमान में जाता है एंड अपने जैसे काफ़ी और ज़्यादा क्लोन्स को बना लेता है ताकि वो हुआ को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। अब इतने सारे यू को देखकर पहले तो हुआ को समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला यू असली है लेकिन वो बहुत जल्द ही पता लगा लेती है कि कौन सा यू असली है। इससे पहले यू अपने मूव को इस्तेमाल करता हुआ उसे जाकर पकड़ लेती लेकिन दूसरी तरफ यू भी बहुत ज़्यादा चतुर होता है। वो भी उसका हाथ को पकड़ लेता है एंड अपने पूरे मूव को इस्तेमाल कर लेता है। अब ये देखकर हुआ उसे छोड़ देती है एंड यू के उस अटैक से अपने आप को दोबारा बचा लेती है। अब यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है, वो नीचे गिर चुका होता है। हुआ उसके पास आती है एंड उसे कहती है कि ये बात तो पक्की है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा मूव्स हैं। लेकिन अब हुआ अपने एक मूव को इस्तेमाल करने लगती है लेकिन इसी दौरान हमारा सीन चेंज हो जाता है एंड हम युनजोंग यी एंड मेंगमिंग को देखते हैं। यी के पैर में चोट आ चुकी होती है जिसकी वजह से वो मेंगमिंग के ऊपर बैठी होती है। अब यी युनजोंग से कहती है कि हमें यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए तो उसकी बात मानते हुए युनजोंग उसे गोदी में लेता है एंड उसे उस जगह पर बैठा देता है एंड कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ ताकि मैं तुम्हारे घाव को धो सकूँ एंड तुम्हारी मेडिसिन तुम्हारे पैर पर लगा सकूँ। अब हम देखते हैं शाम हो जाती है एंड वो लोग अपना कैंप फायर लगा लेते हैं। युनजोंग यी के दवाई लगा रहा होता है एंड मेंगमिंग उनके पीछे सो रहा होता है। तभी युनजोंग यी को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरे साथ रहने से खतरा हो सकता है, मैं एबनॉर्मल हूँ, पूरी दुनिया मुझे मारना चाहती है, इसलिए अगर तुम मुझे फॉलो करती रही तो तुम्हारे लिए ये खतरनाक हो सकता है। अब ये सुनकर यी युनजोंग को कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि आपने जानबूझकर मुझे एंड यू को अपने आप से दूर करा। ये सुनकर युनजोंग उसे बताता है कि यू जो है वो एक नोबल क्लैन का डिसिपल है और उसे अपने साथ रखकर दूसरे क्लैन के बंदों के साथ लड़ना उसके लिए सिर्फ मुसीबत क्रिएट करने जैसा है। अब युनजोंग यी को कहता है कि उसे अपनी बहन के पास जाना चाहिए क्योंकि अगर वो उसके साथ रही तो उसे काफ़ी कुछ झेलना होगा। ये सुनकर यी युनजोंग को कहती है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगी एंड उसके साथ मिलकर लड़ाई करेगी। अब युनजोंग यी को कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो मैं तुम्हें सिर्फ अपने साथ कैरी कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्ची हो। अब हम देखते हैं युनजोंग एक डियर को बनाता है जो कि छोटा सा होता है। उस डियर को देखकर यी को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यी युनजोंग को ड्रिंक देती है पीने के लिए एंड युनजोंग उस ड्रिंक को पी लेता है। अब हम देखते हैं कुछ समय बाद युनजोंग को आग में अपनी बीवी की झलक नज़र आती है। उसकी बीवी उसे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके लिए एक डियर बनाए हर रोज़। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं वो तीनों सो रहे होते हैं लेकिन सोते वक्त ही तभी उन पर वूकिंग के स्लेव्स एंड वूकिंग हमला कर देते हैं। किसी तरह वो तीनों मिलकर वूकिंग के स्लेव्स को हरा देते हैं। ये देखकर वूकिंग उन्हें कहती है कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, जिसके बाद वो मेंगमेंग एंड यी को
अपने एक मूव से दूर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को चोट लग जाती है। अब यी एंड मैंग मैंग की ये हालत देखकर यून जोंग वू किंग को कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो मुझसे करो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब ये सुनकर वू किंग उन्हें कहती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा इस लड़की की चिंता है, लेकिन आज तुम्हारी जान मेरे हाथों से जाएगी। अब वू किंग यूनजोंग को लात मारकर दूर कर देती है। ये देखकर यी खड़ी उठती है एंड यूनजोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। वू किंग यी को कहती है कि तुम इसे बचाकर क्या करना चाहती हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए। अब तभी वू किंग यी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।